हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम जी और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विंडो अपडेट करने वालों को होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, विंडो 10 अपडेट जो लोग करते हैं उनका सुनने में आया है कि लैपटॉप की स्पीड जो है कम हो जा रही है। हमने कुछ यहाँ पर कमेंट नोट करके लिए लिखे हैं, जैसे कि लैपटॉप वर्किंग स्लो विंडो 10। जी हाँ, ये जो है कई सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो लैपटॉप वर्किंग स्लो विंडो 10 में जो है जो वर्किंग कंडीशन है वो स्लो हो जा रही है क्या? किसी लोग का कहना है कि भाई विंडो 10 अपडेट करने के बाद जो है स्लो हो जा रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि यदि विंडो 10 अपडेट करने पर आपके लैपटॉप की स्पीड कम हो गई है तो लैपटॉप की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं विंडो 10 प्रो में, या फिर विंडो 10 होम में, या फिर विंडो 7 में, या फिर विंडो 8 में, ये सारा कुछ जानेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है जिसकी जो स्पीड में मतलब स्पीड को लेकर, तो वो है विंडो 10 लैपटॉप की। जिस लोगों की विंडो 10 लैपटॉप जो है, विंडो 10 वाला लैपटॉप है, यानी कि जो लोगों ने लैपटॉप में अपने विंडो 10 जो है इंस्टॉल करके रखा है, या फिर उनका जो OS जो है वो विंडो 10 है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? वहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जो है विंडो 10 जैसे ही वो लोग अपडेट करते हैं तो उनको ये होता है कि भाई उसके बाद से जब वो अपना लैपटॉप ऑन करते हैं तो उनका लैपटॉप स्लो हो जाता है। ठीक है, बहुत स्लो हो जाता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक तरीका है। सबसे पहले तरीका है कि आपने विंडो 10 अपडेट को पुश कर देना है। पुश कैसे करना है ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आपको तुरंत भी बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए पुश कैसे करने के लिए। पुश करने के लिए यहाँ पर देखिए एडवांस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से जो है आप नीचे सेलेक्ट करेंगे, पुश अपडेट है यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करेंगे और आगे की दिशा में जितना भी सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, यानी कि 25 अक्टूबर यहाँ पर लास्ट में सबसे दिखा रहा है, उसको ओके करेंगे, उसको छोड़ देंगे। ये जो है हमारा विंडो 10 अपडेट जो है पुश हो जाएगा। तो ये तो पहली बात, पहले काम को ये करना है। दूसरा काम क्या करना है कि आपको यहाँ से बैक हो जाना है और यहाँ पर विंडो की और एक्स को एक साथ जो है क्लिक करना है। विंडो का जो बटन आपके कीबोर्ड पर होगा उसको, और एक्स यानी कि जो कीबोर्ड है का जो कीबोर्ड का होता है, जैसे कि ABCD जो कीबोर्ड होता है उसका जो एक्स है, वो दोनों को एक साथ करना है। जैसे एक विंडो और विंडो की और एक्स एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है इसमें जो है, आपको सबसे पहले डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद आपको कुछ अलग से एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको कुछ स्पेसिफिक जानकारी होगी। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये खुल गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि विंडो सी जो है उसका सब कुछ दिखा रहा है कि कितना स्पेस है आपके जो है लैपटॉप में। आज यदि आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझा देता हूँ। जैसे कि आप माई कंप्यूटर या फिर जिन लोगों ने ये विंडो 10 किया है वो डिस्क पीसी पे क्लिक करें, उसको बड़ा कर दें, उसके बाद से यहाँ पर विंडो सी में दिखा रहा है कि कितने GB फ्री स्पेस है। ठीक है, विंडो डी सॉरी यहाँ पर लोकल डिस्क डी में कितना है, ई में कितना है, ये तो बेसिकली बताता है कि हमारे कंप्यूटर में स्पेस कितना है, यानी कि लैपटॉप में स्पेस कितना है। ताकि जो है सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि ये विंडो 10 सी ड्राइव जो है इसका स्पेस कितना है और कितना खाली है। तो यदि ये भर गया है आपका, देखिए यहाँ पर 18 GB फ्री ऑफ 99। ठीक है, तो इतना में से यानी 100 GB का स्पेस है हमने बनाया ये ड्राइव, इसमें से 18 GB जो है फ्री है। यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। मैंने उस दिन आपको बताया था पिछले दिन कि ये विंडो सी ड्राइव को बढ़ाएं कैसे बढ़ा सकते हैं। ये पूरा हमारा रेड हो गया था। यदि आपका विंडो लैपटॉप जो है उसमें ये सी ड्राइव है वो रेड में बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका लैपटॉप स्लो हो जाएगा और एकदम वेरी वेरी स्लो हो जाएगा, और ख़ासकर विंडो 10 वाले में तो और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो ये आपको काम करना है कि इसका जो है विंडो 10 सी ड्राइव जो है इसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है इसके ऊपर हम जो वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या करना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है कंट्रोल पैनल पर। सबसे पहले टाइप सर्च ईयर में, यहाँ पर जो विंडो का सर्च बार है उसमें टाइप करना है क्या, कंट्रोल पैनल। तो यहाँ आप लिखेंगे कंट्रोल, जैसे लिखेंगे वैसे आ जाता है। तो कंट्रोल पैनल पर क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो लैपटॉप की स्पीड वो बढ़ गया है काफ़ी कुछ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर्स पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए ये रहा प्रोग्राम एंड फीचर्स। ठीक है, यहाँ पर लार्ज आइकॉन क्लिक कर देना है। जैसे यदि आपका एक स्मॉल आइकॉन होगा तो इसे नहीं दिखेगा, तो इसको लार्ज आइकॉन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोग्राम एंड फीचर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोग्राम
फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो लैपटॉप में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए गए हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, स्टेप बाई स्टेप जो भी जो है आपका एप्लीकेशन यहाँ पर फालतू का है जो आप यूज नहीं करते हैं उसको स्टेप बाई स्टेप जो है अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अभी ये Adobe Flash Player की ज़रूरत नहीं है और 20 MB का है, तो मैं इसको जो है अनइंस्टॉल कर दूंगा, आपके सामने अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। और यहाँ से इसको अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है क्योंकि इसको मतलब मेरे लैपटॉप को इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको क्यूट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 20 MB का स्पेस खर्च हो जाएगा। और ऐसे ऐसे जो है कितने सारे जो है ये छोटे मोटे चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन है, तो उसको हम जैसे कि ये हो गया, इसको हम अनइंस्टॉल कर देंगे। पाइथन लॉन्चर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से ये स्पेस कम हो जाएगा। ऐसे करके कि हम स्पेस कम करेंगे तो हमारे विंडोज़ सी ड्राइव का भी स्पेस है उसमें स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन आपके काम का नहीं है, जैसे कि मेरे पास ये सारा कुछ है, इसमें मैंने देख लिया कोई काम का नहीं है तो मैं हटा देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये एक तरीका हो गया, ठीक है, हटाने का। एक काम और करना है, जैसे कि आपको जाना है विंडो में, क्या जाना है, फाइल मैनेजर में जाना है, जैसे कि हमारा जो सी ड्राइव होता है ऐसा, ये हमें जो ओपन कर लेना है, जैसे माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं, डिस पीसी ओपन करते हैं, उस तरह से ओपन कर लेना है। और यहाँ पर डाउनलोड का जो बॉक्स है उसको ओपन करना है। एक्चुअली हम करते क्या है कि देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो डाउनलोड होता है वो सारा कुछ सारा यहाँ पर आ जाता है, यानी डाउनलोड में जितने भी हम चीज़ें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं सब कुछ यहीं पर आता है। और यहाँ पर आने के कारण यहाँ पर जो हमारा डाउनलोड का जो साइज है वो बहुत बढ़ जाता है, और यहाँ पर जो साइज़ यहाँ पर बढ़ेगा सीधे सीधे विंडोज सी ड्राइव में ही बढ़ेगा। तो यदि हम इसमें से जो भी अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, बाद में उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो फाइल होती है, सेटअप फाइल होती है, वो यहाँ पर होती है, तो इसमें से आप ढूंढ कर उसको जो है यदि इसको अनइंस्टॉल करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपका विंडोज सी ड्राइव जो है वो बढ़ जाएगा और आपके लैपटॉप की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा स्पीड तो है ऐसे ही मैटर करता है कि यदि आपके लैपटॉप की स्पीड बढ़ नहीं रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके लैपटॉप में स्पेस की समस्या है, यानी कि आपके कंप्यूटर में स्पेस कम है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये पबजी लाइट सेटअप की रखा है, तो ये 65 MB का एप्लीकेशन है, इसका मैंने यूज नहीं किया, पहले यूज किया था अभी यूज नहीं किया, लेकिन अभी इसको क्या करेंगे, रखा हुआ है तो इसको यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये हमारा जो है स्पेस लेता है, तो इसको ये दोनों पबजी का इसको जो है डिलीट कर देंगे। इस तरह से ढूंढ ढूंढ कर आपको डिलीट करना है जो भी बड़े बड़े एप्लीकेशन हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है wordpress.com है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको डाउनलोड मतलब किया था हमने तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो ये हम कितना जो है भूल जाते हैं तो वो सही बात है कि भूल जाते हैं, लेकिन हमें जो ज़रूरत पड़ती है तो उसके अनुसार हमें इसको जो है डिलीट करना चाहिए। जैसे हम ये सब डिलीट करेंगे तो हमारा जो लोकल ड्राइव होता है सी होता है उसकी स्पेस बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर आराम से यहाँ पर स्पेस जो है बढ़ जाता है जितना भी आप उसमें से फाइलें जो है डिलीट करते जाएंगे। तो इस तरह से आपको तीन तरीके हैं आप जाकर अपने लैपटॉप की स्पीड बढ़ा सकते हैं यदि आपका लैपटॉप स्लो हो गया है, खासकर विंडो 10 अपडेट के कारण। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को जरूर शेयर कीजिएगा जो भी इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। यदि आपको इस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को जानकारी सबसे पहले अपने फोन में पाने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग।